क्या बोले बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ेगा ये, बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ेगा, ऑल ओवर इंडिया में देखना भाई को। और पता है 100 प्लस कंट्री में रिलीज हुआ है, सब जगह गर्दा मचा देगा साला। इतना तो ट्वीट अभी तक दे चुका है, अभी हार के बाद और देगा भाई। ट्रेलर में तो कुछ दिखाया ही नहीं यार, इतना साला खतरनाक स्ट्रेटजी सिर्फ शाहरुख खान ही कर सकता है, और कोई इंडिया में नहीं करेगा। आउट ऑफ 5 में जो है ये लोग अपन उसको रैंक दे रहे हैं, एकदम मस्त बायकॉट गैंग को क्या कर बायकॉट गैंग के भी लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और मैं आप लोगों को ये सामने ये सब्सक्राइब करें जनता की आवाज अब तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज। दोस्तों इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पे अनूप टॉकीज में लोगों की जो हुजूम है शाहरुख खान के फिल्म को देखने के लिए, यहाँ पे इतनी दर्शकों में काफी उल्लास है, और तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त जो देख कर निकलने के बाद तमाम लोग खुश नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। योगी बाबा से हिल लेना नहीं है ये, दर्शकों में काफी उल्लास नजर आ रहे हैं, और जो दर्शक जो है इस वक्त जो है बहादुरपुर अनूप टॉकीज में दर्शकों की हुजूम है, और यहाँ पे सीट तो मिल ही नहीं रही है, 5 दिन पहले से ही लोग बुकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे जो तमाम जो लोग हैं वो काफी बोल रहे हैं कि हमारा पैसा जो है सज गया है। दोस्तों इस वक्त पठान मूवी को लेकर जो है समस्तीपुर में खचाखच भीड़ नजर आ रही है, हम देख सकते हैं हॉल के बाहर अनूप टॉकीज के बाहर में लोगों की हुजूम है, और इस वक्त जो है लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं पठान मूवी देखने के बाद। लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान का ये ब्लॉकबस्टर फिल्म है, ये अभी फेल हो जाएगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों में काफी हुजूम है, और लोग देखने के लिए काफी उत्साहित और बेताब बने हुए हैं। आप लोगों को जनता की आवाज आप तक के माध्यम से हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल सफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं समस्तीपुर अनूप टॉकीज में, और आप देख सकते हैं यहां पे अनूप टॉकीज कितना खूबसूरत बनाया गया है, आप देख सकते हैं यहां पे सीट वगैरह, और आप देख सकते हैं यहां पे जो बहुत सारे साथी हैं जो हमें जानते हैं वो इस वक्त जो नजर आ रहा है, और आइए चलते हैं लोगों का रिएक्शन जानेंगे क्या कुछ है इस मूवी में। अभी इंटरवल हुई है और मैं आप लोगों को बीच जो है लोगों का रिएक्शन रखूंगा क्या कुछ कहते हैं लोग। दोस्तों इस वक्त जो है मैं जो है अनूप टॉकीज के अंदर में हूँ, और देख सकते हैं आप यहाँ पे इंटरवल हुई है, और इंटरवल होने के बाद यहाँ पे जो लोग बाहर निकले हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसा ये मूवी है। आइए कुछ लोग से जानते हैं क्या कुछ। यह नौजवान इधर आओ, कैसा मूवी है ये मूवी? 5 स्टार
बहुत अच्छा मूवी है, बहुत अच्छा। अभी हम लोग बहुत फैन बन गए, एकदम फैन बन गए। तो अभी इंटरवल में ही आप आधा ही मूवी आपको अच्छा लगा, आधा क्या होने वाला है? आगे से सलमान खान का एंट्री होगा तो और अच्छा होगा। अच्छा, जो लोग जो है इस मूवी का बायकॉट कर रहे थे उनको क्या कहना चाहेंगे? तो क्या कहना चाहिए, कुछ नहीं, एकदम ये भी तो फाइव स्टार मूवी है तो कुछ नहीं होने वाला, उस सबसे कुछ नहीं होने वाला, मतलब उस सबको विरोध करने से कुछ नहीं होने वाला, सुपर डुपर हिट होगी मूवी, उस सबसे कुछ नहीं होगा, उससे चलेगा, सुपर डुपर हिट है मूवी, सुपर हिट है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं और भी लोग हैं, कैसा मूवी है भाई? मस्त है मूवी, बहुत मस्त है, मस्त है। जो लोग विरोध कर रहे थे उनको क्या कहना चाहेंगे इस मूवी को लेकर? हमें सब कुछ नहीं करने वाला का घर खुद फट जाएगा मूवी देख के, पहले मूवी बोल देखने के। ब्लॉकबस्टर है भाई, कोई नहीं रोकेगा इसको, कोई नहीं रोकने वाला इसको, ब्लॉकबस्टर है। आपको आधा मूवी में अभी क्या मतलब शाहरुख खान का इसमें क्या किरदार है? अरे भाई अभी तक साला इतना ट्विस्ट तुमको दिखा नहीं भाई, कहाँ से तू, यहाँ देखना चाहिए था भाई, उसके नहीं सवाल, अभी तुम खुद में हो सकते भाई, मत पूछ भाई, क्या बोले, बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ेगा ये, बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ेगा, ऑल ओवर इंडिया में देखना भाई, और पता है 100 प्लस कंट्री में रिलीज हुआ है, सब जगह गर्दा मचा देगा साला, इतना तो ट्विस्ट अभी तक दे चुका है, अभी हार के बाद और हार देगा भाई, ट्रेलर में तो कुछ दिखाया ही नहीं यार, इतना साला खतरनाक स्ट्रेटजी सिर्फ शाहरुख खान ही कर सकता है, और कोई इंडिया में देखा नहीं। इंग्लिश में समझाओ या देसी में, क्या कौन बोलता है वो मुस्लिम है हिंदू है, साला वो सब धर्म को तो लेके चल रहा है, क्या घंटा हिंदू मुस्लिम बोलना चाहता हूँ, इंग्लिश में समझाऊ या देसी में, जो मैं आपको समझाना समझाइए, वही तो वही डायलॉग है का, भगवान का डायलॉग है, इंग्लिश में समझाओ या देसी देसी में। तो शाहरुख खान ने किस में समझाया? दोनों में समझाया, दोनों में समझाया, दोनों में समझा। तो इसमें जो है दीपिका पादुकोण के क्या क्या किरदार है? पूरा एक्शन एक्शन हीरो के तरफ, वो विलेन के तरफ है या शाहरुख खान की तरफ है? विलेन के तरफ अभी तक दिखाया गया, अभी तक। तो जो लोग जो लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? विरोध करने वाले को कहना चाहते हैं इंग्लिश में समझाओ या देसी में। अच्छा, जो बायकॉट गैंग जो है, जो देश में जो बायकॉट गैंग है, जो शाहरुख खान के पठान मूवी का बायकॉट करने की बात कर रहे थे, उनको क्या कहना चाहेंगे? भाई ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है मेरे लाइफ का, एकदम शाहरुख खान का जो एक्शन है अभी तक का सबसे बेस्ट है, ये मूवी आग लगा चुकी है पूरे देश में, विदेश में, एक देश विदेश सारी जगह पे आग लगा चुकी है। बताइए मुझे अभी यहाँ पे जगह वगैरह मिला कि नहीं आप लोगों को? दस दिन पहले टिकट बुक किया था, तब सीट मिला, अभी तो नो एंट्री है, सीट नहीं है, माइकल गैंग के गर्लफ्रेंड थी शाहरुख खान। दोस्तों यहाँ पे जो शाहरुख खान के जो फैंस है, जो इस वक्त जो है पठान मूवी देखने के लिए अनूप टैगिंग में आए हुए हैं, ये लोग का तो बायकॉट गैंग को क्या कहना चाहेंगे? बायकॉट के लगे फिल्म, बायकॉट के लग नहीं है, बायकॉट वाले को मार चुक दिया जाएगा यहाँ पे। ये मूवी देश हित पर है, देश पर ये मूवी है, धर्म को धंधा करने वाले के लिए मुंह तोड़ जवाब है ये फिल्म। ये मूवी देश हित पर है, इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया के हित में ये मूवी बना हुआ है। शाहरुख खान का क्या किरदार है इसमें? शाहरुख खान का, शाहरुख खान एक आर्मी है, उसी किरदार है उसका बस। अच्छा, तो जो लोग अभी देखिए आर्मी का इसमें इन्होंने मतलब एक रॉक आदमी, रॉ एजेंट है, और इसमें जॉन अब्राहम कौन है? जॉन अब्राहम विलेन है। तो शाहरुख खान को जो लोग अभी देश में जो उनका बायकॉट करने की बात कर रहे थे, क्यों कर रहे हैं बायकॉट? ये तो राजनीतिक है, ठीक है, बाकी कोई मुद्दा नहीं है ये, इसमें भी एक राजनीतिक बना दिया मूवी इंडस्ट्री को भी। तो शाहरुख खान ने इसमें देशभक्त का रोल किया? जी जी जी, पूरा देशभक्त, इंडिया इंडिया शाहरुख खान का 5 से 5 प्लस शो देखना, वो मुजफ्फरपुर से कॉलेज में देखना 500 जी, जिस इसके बाद पैसा नहीं हमसे मिले उसको फिल्म हम दिखाएंगे, जितना शो देखना चाहते हैं उसको हम दिखाएंगे। क्या नाम हुआ? महफूज। घर कहाँ हुआ? समस्तीपुर मथुरापुर घाट के रहने वाले। ये देखिए ताजपुर के भी यहाँ पे नजर आ रहा है, आपको कैसा लगा मूवी? मूवी बहुत बढ़िया है, देशभक्ति फिल्म बना हुआ है, देखिए हमारे साथ यहाँ पे जो है, और हम गुजारिश करेंगे जो लोग भी नहीं देखे हैं यहाँ आकर के उस फिल्म को देखे और एंजॉय करें, ठीक है, जो भी लोग नहीं देखे वो आकर के यहाँ देखे फिल्म को।
बैक है, दो मिनट। भाई साहब यहाँ पे फैमिली के साथ हैं, आपको ये मूवी कैसा लगा? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। तो जो लोग जो है बायकॉट करने की बात कर रहे थे देश में शाहरुख खान की इस मूवी को, पठान को, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, कैसा मूवी है ये? मूवी तो बहुत बढ़िया है, इसमें बायकॉट को कुछ नहीं कहा जा सकता, वो उनकी मर्जी है, बायकॉट करते रहे, हम वायरल करते रहे। उन लोगों का काम धंधा है नहीं, इसीलिए दूसरे के काम में दखल अंदाजी करते हैं। जो बायकॉट किया वो पहला मूवी पहला शो देखा है, एकदम एकदम जो बायकॉट किया पहला मूवी पहला शो देखा है। मौसम बिगड़ने वाला है। शाहरुख खान का इसमें क्या किरदार है? बहुत बढ़िया लग रहा है फिल्म मुझे, और ये फिल्म रेस जैसी लग रही है मुझे, रेस मतलब रेस जैसा कहानी मुझे लग रहा है, लेकिन फिल्म बहुत ही बढ़िया। जो लोग जो बायकॉट कर रहे थे शाहरुख खान की मूवी को, जो बायकॉट कर रहे हैं, बायकॉट के लायक है? बिल्कुल नहीं है। क्या नाम है सर आपका? इरशाद खान। इरशाद खान आपका क्या नाम है सर? मैं अनुज कुमार। अनुज कुमार, अनुज कुमार जी कह रहे हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन मूवी है। सर मुझे ये बताएं कि जो लोग अभी जो देश में उस मूवी का बायकॉट करने की बात कर रहे थे, वो लोग गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? इसका फिल्म पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, बायकॉट करने का किसी कोई असर नहीं पड़ने वाला। सुबह डूबू है, एक दिन में 20 करोड़ टिकट ऑनलाइन बुक नहीं होता भैया, मेरा शाहरुख खान है। पहले सारी फिल्म आई थी बाजीराव मस्तानी, ठीक है, उसको भी लोग सही बॉयकॉट किए थे, याद है आपको? फिल्म आई थी बाजीराव मस्तानी, उससे पहले एक फिल्म आई थी बाजीराव मस्तानी, उसको भी लोग सही बॉयकॉट। अनुज भाई जो है वो गलत कर रहे हैं, और उसके बॉयकॉट करने से ये मूवी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, ये सुपर डुपर हिट होगी। शाहरुख खान का इसमें क्या किरदार है? बहुत बढ़िया सर, मतलब शाहरुख खान इंडियन आर्मी है। आर्मी, हाँ बिल्कुल, आर्मी है, देश के लिए काम कर रहा है, देश बचाने का काम कर रहा है, देश हित के लिए ये मूवी है, बस देश के लिए काम। दोस्तों अभी जो है मूवी फिर से शो चालू हो चुकी है, मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। इंटरवल जो है अब खत्म हुई, फिर से जो शो जो है सेकंड इनिंग जो है वो अब स्टार्ट होने वाली है इंटरवल के बाद। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ इसमें ट्विस्ट है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा शो टूटने के बाद। अनुरूप टॉकीज समस्तीपुर में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की जो है खचाखच भीड़ है, और इतनी भीड़ है कि यहाँ पे जो सीट भी नहीं मिल पा रही है, यहाँ पे जो है एडवांस बुकिंग में ही पूरा हॉल जो है बुक हो चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शाहरुख खान के जो फैंस है यहाँ पे उनको देखने के लिए बेताब बने हुए हैं। आइए यहाँ पे अब शो जो है टूट गई है, आने जाने वाले लोगों से पूछेंगे कैसा ये मूवी है, क्या कुछ इस मूवी में शाहरुख खान मैसेज देना चाह रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नौजवान है यहाँ पे दोबारा देखने के लिए आए, फर्स्ट शो में आप देखे थे, बहुत भयानक। इसमें क्या आपको अच्छा लगा, शाहरुख खान की ये मूवी कैसी है? शाहरुख खान की मूवी एंट्री धांसुर है एकदम, हीरोइन तो और अच्छी लग रही थी इसमें, और सलमान खान भी इसमें एंट्री मारते हैं। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा अमेजिंग शाहरुख खान का लुकिंग, यू आर ग्रेट लुकिंग था, बहुत ज्यादा जबरदस्त मुझे अच्छा सीन लगा शाहरुख खान का। अच्छा जो लोग जो बायकॉट करने की बात कर रहे थे उन लोगों को क्या कहना चाहिए? खुद आ रहे हैं देखने के लिए, खुद आ रहे हैं देखने के लिए। मुझे लगता है कि इस फिल्म में ऐसा कुछ है ही नहीं कि बायकॉट किया जाए, ठीक है। हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि एक बार इस फिल्म को जरूर देखें। को जो एक्साइटमेंट लग रहा है, पांच दिन पहले टिकट बुक करा लिया था मैंने, हाँ। जबकि ऑनलाइन काउंटर पे आके टिकट बुक करा, हम लोगों ने अभी देखा है फिल्म तो बहुत अच्छी है। अच्छा, हमको भी लग रहा है कि काफी देशभक्ति फिल्म है। इसमें जो है एक जो टेररिस्ट होता है वो देश को उड़ाना चाहता है, एक वायरस फैलाना चाहता है, उसको जो है खत्म करता है ये शाहरुख खान। शाहरुख खान बिल्कुल, मूवी सुपर हिट है, ठीक है, 5 डेज में 200 करोड़ प्लस ओनली हिंदी। जो लोग बायकॉट करने की बात कर रहे हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उन लोग क्या, बस 5 दिन के बाद वो लोग भी आएंगे, ठीक है। बहुत ही कुछ लोग बायकॉट गैंग हमको नजर आ रहे हैं, बायकॉट गैंग बहुत है ना, अभी है बायकॉट गैंग के वो लोग हैं, लेकिन अभी नजर आ रहे हैं सामने आएंगे बहुत लोग। बायकॉट गैंग के भी लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं अनुरूप टॉकीज में, अभी 4 व्हीलर से अभी आए हैं, हम सब मुझे देख कर हंसने लगे, और मैं आप लोगों को ये सामने देख सकते हैं, 4 व्हीलर से आए हैं लोग। हाँ दोस्तों, इस वक्त जो है देखिए ताजपुर से अंशुमन भी आए हुए हैं यहाँ पे, ये आप जो काफी एक्साइटमेंट नजर आ रहे हैं आप लोग 4 व्हीलर से यहाँ पे आए देखने के लिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छा फैन के बीच क्रेज है इस मूवी को लेके, पठान को लेके बहुत लोगों में एक्साइटमेंट बहुत दिनों से था, क्योंकि 4 सालों के बाद शाहरुख खान की फिल्म आ रही है, और ये जो झूठा मूठा विवाद जो चल रहा था गाना को लेके, ये सब विवाद को हम लोग नहीं लेते हैं, ये तो देशभक्ति मूवी है,
आप शाहरुख खान को देखेंगे तो आप कहेंगे कि हम तो इसके फैन होंगे, ऐसा मूवी है। हम लोग पहले से ही शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन है और ये मूवी बहुत अच्छी मूवी है और ये कम से कम 500 करोड़ से ऊपर ही जाएगी। अच्छा, अभी जो लोग बायकॉट गैंग है उनको क्या मशवरा करना चाहिए? उनको देखना जरूर चाहिए क्योंकि गाना को लेकर विवाद जो हुआ उनको विवाद होना नहीं चाहिए। काफी एक्साइटमेंट है, बहुत एक्साइटमेंट है। आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि शाहरुख खान का कुछ मूवी आए, अब यहाँ पे आ चुके पठान जो कि हम लोग यहाँ पे फैन है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है फैंस जो है शाहरुख खान के जो फैंस है वो इस वक्त जो है नजर आ रहे हैं बाहर देख कर जो निकल रहे हैं। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा मूवी है, एकदम झकास। इसको बायकॉट करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि बायकॉट करने से तो, लेकिन मूवी बहुत कंटा। एक सेकंड फेल हो जाएगा, चार बार देखेंगे हम भी, अभी चार बार फिर देखेंगे, फिर देखने आएंगे, अभी फिर जाना टिकट खरीद कर देखेंगे। कैसा मूवी है दोस्तों? कैसा मूवी? बहुत हैवी, बहुत हैवी। सब फेल, केजीएफ फेल, बाहुबली फेल, आरआर फेल, सब फेल। इस मूवी का फैन पूरा दोस्तों यहाँ पे जो है नौजवान, नाम बताइएगा। एक मिनट यहाँ पे इबाद है, इबाद है, इबाद कैसा कैसा मूवी लगा? ये बहुत जबरदस्त मूवी है, सारे नौजवान देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है कैसा लगा, कैसा लगा मूवी सर, कैसा मूवी लगा? नाचते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत जो भी केजीएफ का रिकॉर्ड था सब टूटेगा। क्या नाम है सर? मैं मेरा रवि रंजन, रवि रंजन जी है। सब टूटेगा सर। सर जो लोग बायकॉट कर रहे थे उन लोगों क्या करना है? कुछ नहीं, बायकॉट से कुछ नहीं, यहाँ चले सर। सर कैसा लगा पूरा फिल्म? की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गया, पूरा सिस्टम मिल गया भाई, सिस्टम पूरा सिस्टम मिल गया भाई। फाइव आउट ऑफ फाइव में जो है ये लोग अपन उसको रैंक दे रहे हैं, एकदम मस्त है। कितना बढ़िया सर, इसमें क्या शाहरुख खान का सबसे अच्छा किरदार कौन सा है? एकदम भाई, एकदम लुक, एकदम मस्त है सर। इसमें शाहरुख खान क्या चीज का रोल किए हैं? एकदम आर्मी है, वो आर्मी है और आतंकवादी जो देश को, देश में वायरस फैलाना चाहते हैं। बायकॉट गैंग को क्या कहना चाह रहे हैं? बायकॉट गैंग को क्या कहना चाह रहे हैं? बायकॉट गैंग वाला चुतिया, बोलिए बायकॉट गैंग वाला चुतिया, चुतिया। पठान मूवी को लेकर जो है समस्तीपुर में खचाखच भीड़ नजर आ रही है। अब देख सकते हैं हॉल के बाहर, अनूप टॉकीज के बाहर में लोगों की हुजूम है और इस वक्त लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं पठान मूवी देखने के बाद। लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान का ये ब्लॉकबस्टर फिल्म है, अभी फेल हो जाएगा। और अब देख सकते हैं यहाँ पे लोगों में काफी हुजूम है और लोग देखने के लिए काफी उत्साहित और बेताब बने हुए हैं। आप लोगों को जनता की आवाज आप तक के माध्यम से सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ अब तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।